बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल स्पाइसीज ऑफ फूड। आज हम बना रहे हैं उड़द की दाल, माश की दाल बना रहे हैं। माश की दाल बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और हम कैसे बनाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम दाल बॉयल करेंगे। यहाँ मैंने दाल ली है 250 ग्राम, यानी कि एक पाव, और तकरीबन मैंने आधे घंटे पहले दाल को पानी में भिगो दिया था। अब हम इसमें शामिल करेंगे मज़ीद एक कप पानी और इसे हाफ टी स्पून नमक डाल के बॉयल करेंगे मीडियम फ्लेम पर। देखें, दाल को हमने बॉयल होने के लिए चूल्हे पर रख दिया है। जब तक दाल बॉयल होती है तो हम आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। देखें, दाल बॉयल होना शुरू हो गई है। देखिए, इसमें वाइट वाइट सा ये जो झाग आ रहा है, ये सब हम इसमें से रिमूव करेंगे और मज़ीद इसके गलने का वेट करेंगे। तो मिलते हैं जब दाल गल जाती है। तो चलें चेक करते हैं। देखें, दाल बॉयल हो गई है, पानी जो हमने डाला था वो सब ड्राई हो गया है। अब हम दाल को चेक करते हैं। ये देखें, दाल गल गई है, बस इसमें एक कनी रह गई है दाल में, जो कि हम भूनेंगे, फ्राई करेंगे, तो उसमें दम पर आ जाएगी। बिल्कुल हमें घुलानी नहीं है, खड़ी खड़ी सी दाल रखनी है। चलें अब इसे यहाँ से हटाते हैं, वोक ले लेंगे मीडियम हाई फ्लेम पर। इसमें ऑयल डालेंगे हम हाफ कप के करीब। ऑयल गर्म हो गया है, अब हम इसमें स्लाइस प्याज डालेंगे। मैंने एक प्याज ली है दरमियाने साइज की, जिसे बारीक स्लाइस में काट लिया है। प्याज फ्राई होने तक तलते हैं। जैसे हल्का गोल्डन सा कलर आता है तो मिलते हैं आपसे। देखिए, प्याज कितना अच्छा सा ब्राउन हो गया है। अब हम यहाँ प्याज को निकाल लेंगे। देखिए, प्याज ब्राउन करके निकाल लिया है हमने। अब हम इसमें डालेंगे एक टीस्पून जीरा, हाफ टी स्पून काली मिर्चें, 3 अदद लौंग और एक बड़ी इलायची। हल्का सा सौते करेंगे इसे। कुछ छोटे छोटे प्याज के स्लाइस हमने इसमें छोड़ दिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे 4 से 5 हमने ली है छोटी हरी मिर्चें, 5 से 6 मैंने ली है गोल वाली लाल मिर्चें। एहतियात से डालेंगे, हिलाएंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून गार्लिक, 4 टेबलस्पून जिंजर, ये मैंने फाइनली चॉप किया हुआ है, स्लाइस किया हुआ है बहुत ज़बरदस्त सा। अच्छे से भूनेंगे 1-2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। बेसिकली हम इसका एक बेहतरीन सा भगार बना रहे हैं। देखें, 1-2 मिनट हो गए भूनते हुए। अब हम इसमें शामिल करेंगे बॉयल दाल। जो दाल हमने बॉयल करके रखी है वो हम इसमें शामिल कर देंगे। पानी हमारा दाल का तकरीबन तमाम खुश्क हो गया था। अब हम इसमें डालेंगे और अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। ये देखें, कितने अच्छे से फ्राई हो गई ये दाल। 1 से 2 मिनट के लिए रख देंगे दम पर, बिल्कुल लो फ्लेम पर, और फिर मिलते हैं आपसे 5 मिनट के बाद। देखें, कितने ज़बरदस्त सा फ्राई हो गई ये दाल। अब हम इसे रखेंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए दम पर, लो फ्लेम पर, और मिलते हैं आपसे 5 मिनट के बाद। चेक करते हैं, 5 मिनट हो गए हैं दम पे रखे हुए। ज़बरदस्त मज़ेदार सी खुशबू आ रही है गरम मसाले की। अब हम डिश आउट करते हैं और दिखाते हैं आपको मज़ेदार वाइट उड़द की दाल स्पाइसेस ऑफ फूड के स्टाइल में तैयार है। हमारे तरीके से बनाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। एक नए आने वाले वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।